सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने एक अहम फैसले के जाटा के राखवेंकरण रद्द कर दिया। इस फैसले नाल हुण 9 सूबों में जाटा राखवांकरण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे में जाटा के राखवेंकरण रद्द करदिया कहा कि जाटा राखवांकरण की जरूरत नहीं है। राखवेंकरण के लाभ का विस्तार जाट भाईचारे तक करने वाली केंद्र के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि अतीत में ओबीसी सूची के किसी जाति संभावित तौर पर गलत रूप में शामिल किया जाना गलत रूप के नाल दूजे जातियों को शामिल करने का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जाट आरक्षण के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ओबीसी नहीं कहा जा सकता। देर हैज़ टू बी ए क्लास नॉट द कास्ट विच इज टू बी असिस्ट एज ओबीसी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार के द्वारा बगैर तथ्यों के लिया गया एक जजमेंट था ये, और ये बहुत गलत है। कोर्ट का कहना था कि जब से ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ है उससे आज तक इसमें खाली इंक्लूजन हो रहा है, ओनली इंक्लूजन हो रहा है, एक्सक्लूजन नहीं हो रहा है। उस समय 52% ओबीसी की पॉपुलेशन बताई गई थी, आज वो बढ़ के ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा होगी, उसको असिस्ट किया जाए। और इंक्लूजन कोई ज़रूरी नहीं है, एक्सक्लूजन भी होना संविधान में दिया गया है, एक्ट में दिया गया है। हम लोग कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कोई तथ्य कोर्ट के ने नज़रअंदाज किया हो, 9 राज्यों में उनमें रिजर्वेशन था जिनमें ऑलरेडी राज्यों में रिपोर्ट के आधार पर था, लेकिन हम लोग इसको बिल्कुल ऊपर भी जाएंगे, इससे आगे भी इसको दरखास्त लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के लिए भी लगाएंगे और आंदोलन की तैयारी भी करेंगे, जैसे साहबानों केस में हुआ था। संसद इस फैसले को पलटे, अगर संसद इस फैसले को नहीं पलटती तो हम इसका आंदोलन के लिए भी जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहलों का जिक्र किया वो अपने हिसाब से किया है, उन्होंने ना धरातल को देखा है ना हमारी बात को सुना गया है जो हमने कही है, तो जो बात उनकी समझ में आई उन्होंने फैसला दिया, वो जज है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग इस मामले को साबाना केस की तरह पे या तो संसद इसको बदले और नहीं तो देश भर में व्यापक आंदोलन होंगे, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमें ये बिल्कुल मान्य नहीं है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो है रिव्यू के लिए जाएंगे, अपील करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारे दूसरी किसान कम्युनिटीज़ हैं जैसे अहीर हैं, गुजर हैं, उनको दे दिया, हमें क्यों नहीं? वो एक्चुअली हमारे से फॉरवर्ड हैं, जो हमारा कमीशन था हरियाणा में, हरनाम सिंह जज थे, उन्होंने किया था, उसमें इनकी हालत बेटर है हमारे से, जो रिव्यू किया गया था तो उसमें हमें तो दिया था। अभी इन्होंने जो आपके सामने है, हमें ये मंजूर नहीं है, हम पार्लियामेंट में भी जो है गवर्नमेंट के पास भी जाएंगे। नहीं नहीं, हमें जो अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, लेकिन हम इनसे एग्री नहीं करते, इनका जो जो फैसला लिया है इससे हम टोटली जो है सहमत नहीं है, हम तो अगेंस्ट हैं, हम इसका रिव्यू करवाएंगे। देखिए, मैंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कुछ कहा है तो उसके आगे तो कोई भी कोर्ट नहीं है। और हमारी पार्टी की तरफ से तो मैं यही जानकारी रखता हूँ कि रिजर्वेशन के ऊपर हमारी पार्टी की सहमति थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो मान्य है, सभी को होगा। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे वी किते वी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।